आपने हाउसफुल 4 देखी, कैसी लगी फिल्म, कितना मजा आया? मैंने हाउसफुल 1, 2, 3 सब देखे, सभी सुपरहिट फिल्म है। मैं सोचा अच्छी कॉमेडी होगी, मज़ा आएगा, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। 600 साल पहले की कहानी है, सभी का पूर्ण जन्म है, आज तक कभी देखा नहीं और इसमें पहली बार इन्होंने दिखा दिया। काम तो अच्छा है, तो सबका अच्छा अच्छा काम है। रंजीत, रितेश देशमुख और चंकी पांडे, आखिरी पास्ता, जॉनी लीवर भी थे उसमें, उस पर भी थोड़ा ज़्यादा काम नहीं था लेकिन मज़ा नहीं आया। अक्षय कुमार ने कौन सा रोल किया है? जॉनी लीवर रोल किया है, जो बार बार भूल जाते हैं, भूला तो मज़ा आया नहीं कुछ। स्टोरी कैसी लगी फिल्म? नहीं, स्टोरी कन्फ्यूजिंग है, लोग गालियाँ दे रहे हैं। अक्षय कुमार ओवर कॉन्फिडेंस है, अक्षय कुमार इतनी बकवास एक्टिंग की कि मज़ा ही नहीं आ रहा कुछ। कितनी बार हंसे? नहीं, मतलब मैं सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, मेरे बाजू वाला तो सो गया था, अरे भाई उठ भाई क्या हुआ, क्योंकि बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है कहानी। और आपको लगता है धमाल मचाएगी कि नहीं? नहीं, धमाल बिल्कुल नहीं मचेगी। आज भी पिक्चर हाउसफुल नहीं है, 50% था आज गेटी गैलेक्सी में, 50% है, जबकि 3 पिक्चर रिलीज हुई है। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशन आपने रखी, मैंने सोचा था बहुत मैं सोचा था बहुत मज़ा आएगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस बार बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अक्षय कुमार ने वो कॉमेडी की ही नहीं। हाँ, रितेश देशमुख ने की है, उसने अच्छी कॉमेडी की है, उसका अच्छा रोल है। तीनों हीरोइन तो खाली ग्लैमर के लिए, कुछ नयापन नहीं। और बाला जो गाना है, वो गाना इतना लगा नहीं कि मज़ा आया, सुनने में अच्छा लगा लेकिन देखने में मज़ा नहीं आया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा या सेकंड हाफ? नहीं, पूरी फिल्म ऐसी ही है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस। अक्षय कुमार इस बार हर बार अच्छा काम करता है, अच्छी एक्टिंग करता है, अच्छा मैसेज देता है, इस बार फेल हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, 5 में से उनको कितना? नहीं, 5 में से सिर्फ मैं 2 ही दूंगा, अभी रंजीत चंकी पांडे के लिए। तो रेकमेंड करेंगे लोगों को? नहीं, मैंने किसी को बोलूंगा पिक्चर देखो तो लोग मुझे गालियां देंगे। आइए, लोग दिवाली का माहौल है, पिक्चर देखिए अपनी अपनी पसंद।